1998 में, 1998, जो भारत में अनिश्चितता की काल था, एक के बाद एक कोएलिशन सरकारें आई थी। नरसिम्हा राव जी की सरकार ने भ्रष्टाचार के कांड बहुत सारे उजागर हुए थे। उसके बाद जो सरकारें आई वो चंद दिनों की सरकारें रही। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही थी, एक कमजोर अर्थव्यवस्था अटल जी के भाग में आई थी जब उन्होंने सरकार के कमान संभाली। लेकिन उनके जो 6 वर्ष थे सरकार के, उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे सामने हैं, चाहे वो पोखरण का न्यूक्लियर विस्फोट हो 1998 में, जिसने देश को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध किया, चाहे वो कारगिल के युद्ध में विजय हो 1999 में, जिससे देश का आत्मविश्वास बना, देश का एक नई ऊर्जा आई कि हम किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना कर सकते हैं। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो तेज गति से विकास हुआ उनके समय में, चाहे वो जीडीपी के मापदंड देखें तो मुझे लगता है 1998 में 4.4 के प्रति जीडीपी की ग्रोथ उन्होंने विरासत में ली थी। और जब 2004 में उन्होंने कमांड छोड़ी तब देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 8.4 थी, लगभग 2 गुना उन्होंने जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाया था। और हर पहलू पे, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो ब्याज के दर हो, चाहे वो भारत की विदेशी मुद्रा का खजाना हो, जिसमें उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, लगभग $29 बिलियन विरासत में उन्होंने 1998 में मिले थे, और उसको 3 गुना करके $104 बिलियन पे उन्होंने 2004 में सरकार छोड़ी थी। उनके समय के विकास के कार्य हम सब याद करें तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल उस समय में बना था, देश भर में एक बड़ा जाल बिछाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर का, और अलग अलग पहलू से उन्होंने देश का सामर्थ्य सामने उजागर किया था।